इस वीडियो के प्रायोजक है ऋग्वेदा इंटरनेशनल स्कूल। आपके उज्जवल भविष्य के लिए अब क्यों जाएं कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिसार। ऋग्वेदा का हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको दे रहा है नीट और जेईई की विशेष सुविधा, वो भी आपके ही शहर टोहाना में। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटते ही जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ऐसे में 10 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली जननायक जनता पार्टी की स्थिति चुनाव से पहले कुछ खास नजर नहीं आ रही। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं और कई इस्तीफे देने की फिराक में है। ऐसे में समय रहते पार्टी को बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। कयास लगाए जा रहे हैं कि स्थिति से निपटने के लिए जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन कर सकती है। पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने यह तक कह दिया है कि ओपी चौटाला अगर पहल करें तो जजपा इनेलो के साथ आने को तैयार है। अनेक लोग इसके लिए प्रयासरत है। बड़े होने के नाते चौटाला साहब का पहल करने का दायित्व बनता है। अगर वो कल बुलाएंगे तो हम कल ही चले जाएंगे। पत्रकारों ने जब उनसे इनेलो और जजपा के एक मंच पर आने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये चौटाला साहब पर निर्भर करता है। जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जानकारी उन्हें भी एक टीवी चैनल के जरिए मिली है। निशांत सिंह जब उनसे मिलेंगे तो वो जरूर उनसे पूछेंगे। हालांकि अजय चौटाला ने कहा कि पहले निशांत सिंह ने कभी नाराजगी उनके समक्ष जाहिर नहीं की। गौरतलब है कि एक परिवार में दो पार्टियां बनने से दोनों की स्थिति पर असर पड़ा है। जननायक जनता पार्टी जिस जोश के साथ बनी थी, आज वह जोश जमीनी स्तर पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा। वहीं इनेलो की भी स्थिति कुछ खास नहीं है। पिछले चुनावों में भी वह सिर्फ खोखले दावे ही करती नजर आई। जमीनी स्तर पर ना लोगों का समर्थन मिला और ना ही मेहनत रंग लाई। खबर यह भी सामने आ रही है कि जजपा के दो विधायक जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हिसार जिले में जजपा के 3 विधायकों में से 2 भाजपा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों को भाजपा में शामिल करने की तैयारी है। इसके लिए किसी अच्छे मौके का इंतजार किया जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में यह दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार जजपा के विधायक भाजपा सरकार के समर्थन में है। भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद सरकार की बहुमत साबित करने के समय सरकार के साथ दिखे थे। उसी दिन जजपा की हिसार रैली से दूरी बनाकर पार्टी को अपना संदेश साफ कर दिया था। अब भाजपा में जाने की केवल औपचारिकता बाकी है। दोनों अपनी टिकट को लेकर आश्वासन चाहते हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जजपा और इनेलो में गठबंधन के लिए सहमति बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।